बात करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ब्राइंस। देखिए इंटरेस्ट ऑन ब्राइंस की बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्टनर फर्म से कुछ पैसा निकाल लेता है, यानी कि अपने निजी कार्य के लिए, उसको हम बोलते हैं आहरण यानी कि ब्राइंस। अब जैसे ही जो फर्म के अंदर मान लीजिए किसी पार्टनर के अंदर इंट्रोड्यूस हो रखी है 50,000 और उसने निजी कारण से अपने निजी कारण के लिए 10,000 रुपए विड्रॉल कर लिए यानी कि ड्रॉइंग्स कर लिए। अब उसका फर्म में पैसा लगा था 40,000, तो जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो मतलब जो कैपिटल पर इंटरेस्ट लगता है वो पैसा वो खुद अपने पास रखता है यानी वो लेता है फर्म से, इसी तरह से ये उसका दायित्व है कि वो 10,000 का इंटरेस्ट पे करे फर्म। अब इस 10,000 का इंटरेस्ट पे होगा उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे, उसकी क्या कंडीशन बनती है, कितने तरीके से ये काम होता है ड्राइंग्स का और उनकी कैलकुलेशन किस बेस पर होती है वो चर्चा हम इसमें करेंगे। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है बड़ा सिंपल सा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड, पीरियड कह लो या मंथ कह लो, उसको मंथ कह लो, डिवाइडेड बाय यानी कितने मंथ के लिए उसने पैसा निकाला। देखिए इसके अंदर कंडीशन के बाद के हिसाब से हम इस एवरेज पीरियड की बात करते हैं, ये एवरेज पीरियड जो है वो क्या है। देखिए कंडीशन बनती है इसके अंदर कि जब ड्राइंग्स प्रत्येक माह के शुरू में की जाए, इसका मतलब ये हुआ कि उसने हमें बता दें कि प्रत्येक माह के शुरू में वो 1,000 रुपए की ड्राइंग्स करता है, यानी कि 1 जनवरी को, जनवरी का महीना है स्टार्टिंग में, 1 फरवरी को, 1 मार्च को और इसी तरह से 1 दिसंबर ही चलता है। तो यहां पर जो एवरेज पीरियड है यानी कि आप कैलकुलेशन किस बेस पे करें, तो हमें एक एवरेज पीरियड इसके अंदर याद करना होगा और एवरेज पीरियड क्या होता है देखिए आप, एवरेज पीरियड यानी कि एक फॉर्मूला होता है इसका, टाइम लैप्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लैप आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एवरेज पीरियड के लिए, यानी कि हम यहां पर कितना लेंगे ये हम देखेंगे। देखिए जैसा कि इसमें बताया कि प्रत्येक माह की स्टार्टिंग में यानी कि फर्स्ट तारीख को ही ड्रॉइंग होती है, तो पहली ड्रॉइंग हुई 1 जनवरी और हमारा ये साल खत्म होता है 31 दिसंबर, यानी कि जो पहली ड्राइंग हुई वो कितने टाइम लैप रहा पूरे साल में, तो हम अगर उसको गिने जनवरी से दिसंबर तक तो पूरे भाग में है ये जो ड्राइंग है लैप प्लस टाइम लैप आफ्टर लास्ट ड्राइंग। देखिए जनवरी से स्टार्ट करके चलते हैं तो लास्ट मंथ है हमारा दिसंबर, तो जो लास्ट दिसंबर का मंथ है उसमें जो ड्राइंग की जाएगी वो 1 दिसंबर को की जाएगी। जब वो 1 दिसंबर को की जाएगी इसका मतलब है कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 1 महीना उसका भी रहा, तो 10 लैक्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 डिवाइडेड बाय 2, तो अब हम देखते हैं 13/2 = 6.5।
तब हमारा जो एवरेज पीरियड है वो यहाँ पर कितने मंथ होगा, वो 6.5 मंथ होगा। ये हमें ध्यान रखना है। एक बात और पढ़ते हैं इसके अंदर, जब ड्राइंग किसी पार्टनर द्वारा प्रत्येक माह के अंत में की जाए, अंत में की जाए तो इसका मतलब ये हुआ सेम एवरेज पीरियड जब हम ज्ञात करना चाहेंगे इसके टाइम लेस आपका फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रत्येक माह का अंतिम दिन यानी कि जनवरी के करता है तो अंतिम दिन हुआ 31 दिसंबर यानी कि पूरा जनवरी खत्म हुआ। अब इसके बाद के जो लाइफ टाइम लेस का जो दिन है तो फरवरी से काउंट करेंगे तो दिसंबर तक होते हैं 11 महीने। तो यहाँ पर हम लेंगे 11 प्लस टाइम लेस आप तक लास्ट पॉइंट होगी लास्ट मंथ के लास्ट डे पर यानी कि दिसंबर के आखिरी तारीख 31 तारीख। तो उसके बाद पूरा साल वैसे ही खत्म हो गया तो उसका जो टाइम लैग है वो कुछ भी नहीं रहा वो हो गया 0 / 2 = 11 / 2 = 5.5। तब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे 5.5। अब ड्राइंग पूरे साल भर मान लीजिए 1000 रुपये तो पूरे 12 महीने 12000 रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करते हैं 10% मिल रही है लेकिन यहाँ का काम पर हम पूरे साल भर करेंगे लेकिन यहाँ पर जो एवरेज पीरियड है वो कितना लेंगे तब हम लेंगे 5.5। एक बार और पढ़ते हैं इसके अंदर, देखिए मान लीजिए कि जब बैंक्स प्रत्येक क्वार्टर के शुरू में